गुड मॉर्निंग। यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम अभी तक केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। कोई भी दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऑलवेज उसमें ओवरलैपिंग होती है, एंड ओवरलैपिंग किसकी होगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी। आपने ऑर्बिटल्स देखे हैं, ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं एस पी डी एफ, ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो एटम के अंदर के ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ओवरलैपिंग के बाद ही केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ओवरलैपिंग कंपल्सरी है। एंड ये जो ओवरलैपिंग है ये अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग टाइप से मीनिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, इस टाइप से डिफरेंट टाइप की ये ओवरलैपिंग होती है। और हमेशा आपने ध्यान रखना है केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा ही पॉजिटिव ओवरलैपिंग से, नेगेटिव ओवरलैपिंग से कभी केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा और जीरो ओवरलैपिंग से भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग कोई हम एग्जाम्पल लेके चले। मान लीजिए हमारे पास pz ऑर्बिटल है, pz, ये z एक्सिस हमने लिया है, सपोज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इसको x एक्सिस ही ले, हम इसको z भी ले सकते हैं, हम इसे y भी ले सकते हैं। तो अभी हमने इसको z के फॉर्म में लिया है pz, एक और हमने pz ले लिया है। अब देखिए टू डिफरेंट pz है, डिफरेंट एटम्स के, फर्स्ट एटम का ये pz है, सेकंड एटम का ये pz है, और इस p ऑर्बिटल में अंदर साइन होते हैं, प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन। प्लस एंड माइनस का मीनिंग भी आप जानते हैं, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। यदि इस टाइप की सिचुएशन है और उसके बाद यदि ओवरलैपिंग होगा तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा? तो नेगेटिव ओवरलैपिंग में आप देखिए, मान लीजिए हमने pz ऑर्बिटल ही लिया है, साइन अभी भी हमारा माइनस प्लस है, और दूसरे एटम का हमने pz ऑर्बिटल लिया है और यहां साइन माइनस प्लस है, मतलब इसका प्लस इसके माइनस के सामने आ रहा है। यदि इस टाइप की सिचुएशन है तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, और नेगेटिव ओवरलैपिंग की सिचुएशन में कभी भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जीरो ओवरलैपिंग थोड़ा बाद में हम देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लें इसमें। मान लीजिए हमारे पास pz ऑर्बिटल ही है, प्लस माइनस, और एक हमारा s ऑर्बिटल है। s ज्योमेट्री कंफर्म है, स्फेरिकल ज्योमेट्री होती है, तो ये हमने शो किया, मतलब ये s ऑर्बिटल और यहां इस लोब में प्लस साइन है, तो अब जो ओवरलैपिंग होगी उसे भी हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव का होगा सेम, यही हम pz ने और साइन बदल लें, माइनस प्लस ले लें, और यहां पर हमने s ऑर्बिटल लिया है, मतलब ये s ऑर्बिटल दूसरे एटम का है, ये p ऑर्बिटल पहले एटम का है। अब इसमें देखिए माइनस साइन और ये प्लस साइन, मतलब ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की और यहां तो मैक्सिमम है, तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी वो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं। मान लीजिए हमने py लिया है, प्लस साइन माइनस साइन, और एक और हमने py लिया है, प्लस साइन माइनस साइन। ये लोब छोटे बड़े नहीं करना है, कोशिश करना है कि एक जैसे ही लोब्स आपने बनाना है, फर्स्ट एटम में भी वही वैसे ही है और सेकंड एटम में भी वैसे ही है। यहां देखिए प्लस प्लस के कांटेक्ट में आएगा, माइनस माइनस के कांटेक्ट में आएगा, इसका मीनिंग ये क्या है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा? ये मान लीजिए पीवाई ऑर्बिटल है और ये भी हमारा पीवाई ऑर्बिटल है, यहां प्लस माइनस साइन है और यहां माइनस प्लस है, तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी उसे हम बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक एग्जांपल और लिया जा सकता है इसमें। मान लीजिए हमारे पास ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये भी हमारा पी एक्स ऑर्बिटल है, मतलब किसी एक एटम का पी एक्स है, दूसरे एटम का पी एक्स है, यहां साइन प्लस है, यहां माइनस, यहां भी प्लस है, यहां माइनस है, प्लस प्लस एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, माइनस माइनस एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसा बताएंगे। और इस केस में हम चले तो सपोज मान लीजिए ये पी एक्स है, साइन प्लस माइनस, और फिर ये दूसरे एटम का पी एक्स है, साइन माइनस प्लस,
तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारी ओवरलैपिंग कैसी होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। अब देखिए जीरो ओवरलैपिंग कब आती है, जीरो ओवरलैपिंग की सिचुएशन ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पीजेड ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है, डिफरेंट एक्सेस पे ओरिएंटेशन हो रहा है, तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी उसे हम बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग। मान लीजिए एक हमारे पास पी वाई ले लें, हम पी वाई इस टाइप से हमने लिया पी वाई ऑर्बिटल, और एक हमने एस ऑर्बिटल लिया है, ये एस ऑर्बिटल। अब इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी इसे हम क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। मतलब ओवरलैपिंग हो कैसी रही है पहले उस पर भी थोड़ा कंफर्म कर लें। ये जो पीजेड है, ये जो पीजेड है, इन दोनों के लोब जब एक दूसरे में मर्ज होंगे, मर्ज होने की सिचुएशन में डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। ये एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं लाइक दिस। अब यहां साइन प्लस, ये प्लस, इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। इस केस में पी और एस के केस में ओवरलैपिंग कैसी हो रही है उसको भी थोड़ा सा कंफर्म कर लें। इस केस में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो गए, मतलब ऑर्बिटल एक दूसरे में मर्ज कर रहा है। मर्ज करेंगे तभी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस केस में देखिए किस टाइप से मर्ज हो रहे हैं, ये पीवाई पीवाई के केस में ये पीवाई ऑर्बिटल था, ये दूसरा पीवाई ऑर्बिटल था, और यहां फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस पर्टिकुलर पार्ट में। फिर देन पीएक्स पीएक्स में इसमें किस टाइप से होगा, तो पीएक्स पीएक्स में ये इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है, ऊपर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। मतलब ओवरलैपिंग के बेसिस पे भी हम चलें तो केमिकल बॉन्ड के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कैसे होगा उस पर भी अपन आते हैं। तो अभी तो आपने ये कंफर्म कर लिया पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती, नेगेटिव क्या होती और जीरो क्या होती है। जीरो एंड नेगेटिव इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनकी वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम सीधे आते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग पर और उसमें भी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर। एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बेसिस पे बॉन्ड के किस टाइप के टाइप आते हैं। Types of chemical bonds and on the basis of overlapping, type of overlapping. तो इसमें first bond होता है sigma bond, sigma से denote करेंगे, and second bond is pi bond, तो इसे हम pi से denote करेंगे। Two type के bond, पहले आते हैं हम sigma bond पर। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमेशा ध्यान रखिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस टाइप के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होगी तो उसको कंफर्म करें। ए होता है एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, बी एस पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, एंड सी पी पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये होगा एस एस ओवरलैपिंग का मतलब एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से मर्ज हो रहा है। बेस्ट हम पहले एस एस पे चले, एस एस ओवरलैपिंग, एक ऑर्बिटल का एस है, दूसरे ऑर्बिटल का भी एस है, और ये एक दूसरे में मर्ज हो रहा है, एंड मर्ज होने के बाद इस टाइप से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन कॉन्फिगरेशन वन एस वन, सेकेंड हाइड्रोजन एटम वन
1s1, मतलब दोनों ही हाइड्रोजन एटम में s ऑर्बिटल है, पर्टिकुलरली 1s है, 1s, एंड फिर इनमें ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग इस टाइप से हो रही है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और करके हम इसे ऐसा लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिग्मा बॉन्ड। तो ये फर्स्ट टाइप था SS ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन का। फिर आएंगे SP ओवरलैपिंग पर। नेक्स्ट ओवरलैपिंग SP, SP का मतलब ये है कि एक एटम का S ऑर्बिटल एंड दूसरे एटम का P ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर रहा है, sp ओवरलैपिंग। सपोज मान लीजिए ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, कोई भी p ऑर्बिटल ले लिया, लाइक हमने pz ले लिया, ध्यान रखेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही हो रही है, मतलब यहां भी साइन प्लस ही है और ये माइनस है, एंड इसके बाद ओवरलैपिंग कुछ इस टाइप से हुई, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये प्लस प्लस ये हमने दे दिया, और बेस्ट अब इन दोनों के बीच में यहां प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लें, HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, वन एटॉमिक नंबर 1s1, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3PY2, 3PZ1, ये आपने कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़े थे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें 10, 12, 18, 20, 10, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 3PZ में है, तो इसका जो 3PZ है, सारे ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये 3PZ और हाइड्रोजन का 1s1 ये इन्वॉल्व होगा, मतलब ये हाइड्रोजन है 1s प्लस 3pz, ये हमारा है क्लोरीन का 3pz और Cl, और यहां हमने ये एरो दे दिया, एरो का मतलब है यहां ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड फिर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एंड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से ये ओवरलैपिंग होगी, यानी टू इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होगा, 1s का वन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एंड ये जो 3pz का वन इलेक्ट्रॉन ये एंटी क्लॉकवाइज वहां पे रहेगा अकॉर्डिंग टू पाउलीज प्रिंसिपल ये, और इसके बाद भी यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और यदि हम इसको शो करें तो एच सिंगल बॉन्ड Cl सिग्मा बॉन्ड, ये ऑर्बिटल Cl का है, ये ऑर्बिटल एच का है, तो एच सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हुआ हमारा एसपी ओवरलैपिंग। अब आते हैं पीपी ओवरलैपिंग पर। नेक्स्ट टाइप पीपी ओवरलैपिंग, एंड जो पीपी ओवरलैपिंग है उसमें भी टाइप होते हैं अलग अलग, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक एटम का पी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पीजेड है प्लस माइनस, प्लस दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल, इट मींस पीजेड, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही होगी, एंड जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, ये प्लस यहां माइनस माइनस आ गया एंड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये जो पीपी ओवरलैपिंग है इसे हम बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड मतलब सिरा, सिरे से सिरे, और हेड से हेड, सिर से सिर, एंड टू एंड और हेड टू हेड एक ही बात है, मतलब पी ऑर्बिट में इस टाइप की सिचुएशन यदि है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये सिचुएशन कौन से मॉलिक्यूल में क्रिएट होगी, तो एक एग्जांपल ले लें, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल। अब Cl2 मॉलिक्यूल में देखें क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, अभी कॉन्फ़िगरेशन देखा था आपने 1s2 2s2
2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1 3pz1 ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है। ठीक वैसे जो सेकंड cl होगा इसमें भी ठीक ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। तो इसका 3pz1 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डायग्राम में शो करें। 3pz किसका है, फॉस्फ्लोरीन का है, इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। ये सेकंड जो है ये हमने दिया 3pz, ये सेकंड क्लोरीन एटम का है, इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। अब देखिए इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, एंड हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने के बाद की सिचुएशन कुछ इस टाइप से जनरेट हो गई, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसके बाद सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसको हम लिख सकते हैं सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये थे हमारे सिग्मा बॉन्ड, तीनों टाइप हमने कंफर्म कर ली, एसएस एसपी और पीपी, एंड पीपी ओवरलैपिंग में पर्टिकुलरली हमने पढ़ा हेड टू हेड। अब हम आते हैं पाई बॉन्ड पर, सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा और हम ज्योमेट्री कैसी बनाएंगे इस पर। पाई बॉन्ड डिनोट करते हैं हम इसको पाई से, एंड इट इज अ वीक बॉन्ड, ये एक वीक बॉन्ड है। किस टाइप से फॉर्म होगा, तो ये एक ही टाइप की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, और वो होता है पीपी ओवरलैपिंग। सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग के बाद ही हम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और पीपी ओवरलैपिंग में भी पर्टिकुलर टाइप साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इसको हम लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है और एक और पी वाई ऑर्बिटल है, प्लस माइनस ये तो हमारा कंफर्म है कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग कराना है, तो प्लस माइनस साइन हम लेंगे, और इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, मतलब इन दोनों के साइड एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जब दोनों के साइड एक दूसरे से जुड़ेंगे तब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड। यहां एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि ये भी पाई बॉन्ड है ये भी पाई बॉन्ड है, तो ये दो पाई बॉन्ड नहीं बने हैं, पाई बॉन्ड एक ही बना है, पर ये दो जगह हमने पाई क्यों शो किया है उसके पीछे भी आ जाए। मान लीजिए अभी साइन यहां प्लस है तो पाई बॉन्ड यहां फॉर्म होगा, पर जरूरी नहीं है कि साइन ऊपर ही प्लस हो, नीचे भी प्लस हो सकते हैं, नीचे प्लस होने से भी नहीं। मान लीजिए हमने यहां प्लस लिया ये और ऊपर माइनस लिया है, साइडवेज ओवरलैपिंग यहां हुई है, तो इस केस में पाई बॉन्ड नीचे फॉर्म होगा, तो हमें ये कंफर्म नहीं है कि प्लस साइन ऊपर है या नीचे है, इसलिए दोनों ही जगह ओवरलैपिंग बताना है और दोनों को ही एक ही नाम देना है पाई बॉन्ड। ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक ही होगा, दो नहीं होंगे, एक पाई बॉन्ड, इसी टाइप से हमने इसको शो करना। पर्टिकुलर कोई एग्जांपल हम ले लें जिसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस पे आ जाए। एग्जांपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, एंड O2 मॉलिक्यूल में टू ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px2 2PY1 2PZ1। शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म 4 5 6 7 8 ये लिए, एंड ये जो टू ऑर्बिटल्स हैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक वैसे ही जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है इसमें भी ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2PX2 2PY1 2PZ1, एंड ये टू ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन्हीं बॉन्ड्स को हम यहाँ पे शो करें, पीजेड हम शो कर रहे हैं, ये हमारा है पीजेड,
और यही हमने पी वाई भी शो कर दिया, नाम देते हैं 2PZ और इसका नाम देते हैं 2PY और ये ऑक्सीजन एटम के हैं प्लस सेकेंड ऑक्सीजन एटम इसमें ये 2PZ एंड फिर ये हमने शो किया 2PY। इलेक्ट्रॉन्स भी हम शो कर दें, इसका वन इलेक्ट्रॉन, इसका वन इलेक्ट्रॉन पेयर, पी वाई में वन इलेक्ट्रॉन, पी वाई में वन इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से हमने शो किया। अब देखिए ये डायग्राम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा, मर्ज होगा एंड मर्ज होने के बाद पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब ये जो पीजेड पीजेड ये एक दूसरे में मर्ज हो गया, यहाँ ये टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक क्लॉकवाइज हो गया एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये हमने फॉर्म किया है सिग्मा बॉन्ड। और ये जो था हमारा पी वाई, ये हमारा पी वाई, इसमें ये साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा व्यास होगा ना ये, एंड साइडवाइज ओवरलैपिंग के बाद ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये टू इलेक्ट्रॉन यहां है तो एक पाई यहां बनेगा, या फिर ये टू इलेक्ट्रॉन नीचे शो किए तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, पर बनेगा एक ही, तो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। इसको डायग्राम के फॉर्म में या एटम्स के फॉर्म में कैसा शो करें, तो ओ डबल बॉन्ड हो, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, जरूरी कि सिग्मा नीचे हो, सिग्मा ऊपर भी हो सकता है, पाई नीचे भी हो सकता है, पर डायग्राम में हमने किसी टाइप से देना। इसको हम बोलते हैं साइडवाइज ओवरलैपिंग। साइडवाइज क्यों बोल रहे हैं, हेड टू हेड में क्या होता है, ये पी ऑर्बिटल ये भी पी ऑर्बिटल, ये हेड टू हेड टकरा गए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, साइडवाइज से मतलब ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे से टकरा है, ये लूज बॉन्ड होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड के पीछे मेन रीजन क्या है कि इसमें स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वीक बॉन्ड। एंड सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, स्ट्रॉन्ग या लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड को क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला जाता है। तो इस टाइप से डिफरेंस भी आ गए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में। कभी यदि मान लीजिए डिफरेंस पूछा जाए तो एक बताइए वीक है, एक सॉरी ये पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है या लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है और उसमें स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। एक और डिफरेंस दे सकते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ओनली साइडवाइज ओवरलैपिंग से ही होगा पी पी ऑर्बिटल के, जबकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन SS, SP एंड PP और वो भी कौन सा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ। तो इस टाइप से था ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। थैंक यू।